हम रेगुलर जबले की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 15 इंच, अक्रॉस बैक 8 इंच, चेस्ट 18 इंच। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने का फॉर्मेट हमारा इस प्रकार है, फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग। फुल लेंथ 15 इंच है, आधा इंच सीम अलाउंस ऐड करेंगे, टर्निंग 1 इंच करेंगे, टोटल हमारा हो गया 16.5 इंच 16.5 इंच। जब हम कपड़े पर कटिंग करेंगे तो इसी फॉर्मेट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग करने के लिए हमारी फुल लेंथ कितनी है, 15 इंच। सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे, ये हमारी यहां से यहां तक फुल लेंथ है। अब हम इसकी विड्थ निकालेंगे। विड्थ निकालने के हमारे दो फॉर्मेट है जबले में, चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5, चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 यानी 1.5 इंच। चेस्ट हमारी 18 इंच है, 18 इंच को 4 से डिवाइड करने पर 4.5 इंच प्लस 1.5 इंच, टोटल हुआ हमारा 6 इंच। झबले की हम विड्थ लेंगे 6 इंच। यहां पर हमने 6 इंच पर निशान लगाना है, 6 इंच पर ही हमने यहां पर निशान लगाना है। जितनी लेंथ ली उतना ही हमने यहां पर निशान लगा देना है। ये हमने यहां से यहां तक चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 इजिकल टू 6 इंच, 6 इंच ही हमने यहां पे विड्थ ली है। ये हमारी ओपन साइड होती है, ये हमारी ओपन साइड है, ये फोल्ड साइड है। इसके बाद नेक लेंथ लेंगे और यहां पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए जो डाउन आएंगे हम, विड्थ का भी मैंने बताया था कि हमारे पास दो फॉर्मेट है निकालने का, एक तो है हमारा चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 या 1.5 कर सकते हैं। विड्थ निकालने का जो दूसरा फॉर्मेट है हमारा चेस्ट डिवाइड बाय 3, जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। हमारी 18 इंच चेस्ट है, 3 से डिवाइड किया तो 6 इंच। ये हमारा दूसरा फॉर्मेट है झबले की विड्थ निकालने का, ये हमारी 6 इंच आई। इसके बाद चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस 1.5 यानी 1.5 इंच, चेस्ट हमारी 18 इंच है, 18 इंच को 4 से डिवाइड किया तो 4.5 4.5 इंच, माइनस 1.5 1.5 इंच किया तो 3 इंच। हमारी आर्म होल का निशान लगाने के लिए ऊपर से नीचे हम आएंगे 3 इंच पे, आकर यहां निशान लगाएंगे यहां पर ओपन साइड में। ये निशान लगाने के बाद चेस्ट डिवाइड बाय 8 विड्थ का निशान लगाएंगे। 18 को 8 से डिवाइड किया तो 2.25 इंच, 2.25 इंच। 3 इंच पे हमने यहां डाउन किया निशान लगाया, 2.25 इंच पर यहां पर निशान लगाया, ये हमने 2.25 इंच पर लगाया और ये हमने 3 इंच पर निशान लगाया।
और इसको इस प्रकार तिरछा करके मिला देंगे। ये मिलाने के बाद नेक की लेंथ निकालेंगे। नेक की लेंथ निकालने का फॉर्मेट है हमारा चेस्ट डिवाइड बाय 12। 18 इंच को 12 से डिवाइड करने पर 1.5 इंच आया, ये हमारी नेक लेंथ निकल करके आई 1.5 इंच। ऊपर से 1.5 इंच डाउन आएंगे, ये निशान लगाएंगे। ये जो हमारे विड्थ मिली आर होल की, हमें इससे हल्की सी कर्व करते हुए हम अपने 1.5 इंच को लाके मिला देंगे। इस प्रकार यहाँ पे हमने 1.5 इंच लेंथ रखी। 2 इंच भी रख सकते हैं हम, प्लस हाफ भी कर सकते हैं अगर ज्यादा डीप करना चाहे तो। फिर इस पर ये जो हमारा ये कॉर्नर हमें मिला 2.25 इंच अंदर आने के बाद यार्न होल का, और ये हमारे नेक की विड्थ है। ये यहां से यहां तक हमारी नेक विड्थ होती है और ये हमारे आर्म होल बनते हैं। इस पर हम यहाँ पर आकर स्ट्रिप लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको फिनिश कर सकते हैं हम। इस प्रकार ये हमारा रेगुलर जबला बनकर तैयार हुआ।